हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6A की क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड 2 में दिया हुआ है 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करना है जो 36 डिग्री लेस देन है कॉम्प्लीमेंट से और 2 में 36 डिग्री मोर देन है उसका कॉम्प्लीमेंट से। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो उसका मेजरमेंट हम फर्स्ट क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल बी एक्स। फर्स्ट हम जो उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है गिवन एंगल की उसे हम एक्स मान लेंगे। एक्स मानने के बाद उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। देयर मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। हमने जो मेजरमेंट माना था गिवन एंगल की एक्स उसका कॉम्प्लीमेंट किया होगा 90 माइनस एक्स और जो कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट से हम जो गिवन एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री लेस देन उसे माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस 36 डिग्री। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्री माइनस एक्स उसमें से हम क्या करेंगे, जो गिवन एंगल दिया हुआ 36 डिग्री लेस देन उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो एक्स की वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सेकेंड स्टेप में एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स माइनस 36 जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को मैंने उठा दिया हूँ। उठा देने के बाद जो सेकेंड स्टेप में एक्स है राइट साइड में माइनस में है तो उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे। लेफ्ट साइड में लाने के बाद क्या होगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 36 जो राइट में है राइट में रहेगा। उसके बाद एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 90 माइनस 36 कितना होगा, 54 होगा। तो 2x इक्वल टू 54 ये हमारा है स्टेप। इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x के साथ जो 2 इंटू है तो 2 को हम क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, इंटू में था x के साथ तो इस साइड में लाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 54 डिवाइड 2 कितना होगा, 27। एक्स की वैल्यू कितना हुआ, 27। यही हमारा क्या है, मेजर ऑफ द गिवन एंगल। हैंस द मेजर ऑफ द गिवन एंगल इक्वल टू 27। जो एक्स की वैल्यू फाइंड हुआ है वही हमारा क्या है, मेजर ऑफ द गिवन एंगल। इसी तरह हम क्वेश्चन जो 2 दिया हुआ है 2 को सॉल्व करेंगे। 2 हमारा क्वेश्चन 2 किया दिया है 36 डिग्री मोर देन, इसमें मोर देन दिया हुआ है तो मोर देन देने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी मेजर हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लेट द मेजर ऑफ द गिवन एंगल बी एक्स, देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। इसका जो मोर देन दिया हुआ है गिवन एंगल उसका हम मेजर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट क्या मानेंगे, 90 डिग्री माइनस एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। उसके बाद देयरफॉर एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 36, इसमें से हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, लेस देन दिया हुआ था। लेस देन अगर लेस देन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट से माइनस करेंगे। अगर मोर देन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किया दिया है मोर देन, तो कॉम्प्लीमेंट जो हमने माना है कॉम्प्लीमेंट से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देखिए जो एक्स है एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 36 जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को हमने उठा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो राइट साइड में एक्स है एक्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे। तो माइनस में थे लेफ्ट माने के बाद क्या होगा, प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 प्लस 36 राइट में। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x इक्वल टू 90 प्लस 36 कितना होता है, 126। इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2x इक्वल टू 126 हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x हम लेफ्ट में रखेंगे और x के साथ जो 2 इंटू है लेफ्ट में उसे हम क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे तो कितना होगा, डिवाइड होगा। 126 डिवाइड 2 कितना होगा, x की वैल्यू 36। अगर हम 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारा कितना होगा, फाइंड आउट 63 जो हमारा फाइंड हुआ है यही हमारा क्या होगा, मेजर ऑफ द गिवन एंगल। तो हैंस द मेजर ऑफ द गिवन एंगल इक्वल टू 36।